तो दोस्तों आज मैं आपको शगुन के डीपी में रेट कैसे डाले जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमने अपना डीपी ऑन कर दिया, एंटर किया। एंटर करने के बाद मेनू वाला बटन प्रेस किया आपने, तो इसमें ये ऑप्शन है आपका रेट सेटिंग का। इस पर एंटर करते हैं आपको सबसे पहला ये ऑप्शन आएगा जनरेट रेट का। इस पर एंटर करते ही आपको जिस भी ऑप्शन पर R1 पे, R2 पे, R3 पे रेट डालने हैं उस पर एंटर आप कर देंगे। उसके बाद आपको रेट टाइप फार्मूला बेस्ड USB इंपोर्ट और मैनुअल एंट्री का मिलेगा, लेकिन इस पर आपको फार्मूला बेस पे ही करना है। उसके बाद DPU आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल देना आपको DPU का अपने का। अब आपसे KG फैट और SNF काव के लिए पूछेगा, तो आपको क्या करना है, फैट परसेंटेज डाल देना है 52 और SNF परसेंटेज ऑटोमेटिक 48 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है स्टैंडर्ड फैट का ऑप्शन है। स्टैंडर्ड फैट दोस्तों हमारी 6.5 रहती है हर जगह हर DPU में। उसके बाद स्टैंडर्ड SNF, स्टैंडर्ड SNF दोस्तों 9.0 डालनी है, ये कॉमन है दोनों चीज़ें, स्टैंडर्ड फैट और स्टैंडर्ड SNF आपको ये दोनों इतनी ही रखनी है, 6.5 और 9.0। दोस्तों स्टैंडर्ड रेट में आपको जितने के भी रेट डालने हों DPU में उतने उस पर आप डाल सकते हैं। जैसे हमको आपको मान लो 35 के रेट डालें तो 35.00 डाल दीजिए, इक्काव के लिए सेटिंग है दोस्तों। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आया, जैसे एंटर करेंगे आप तो ऑप्शन आएगा फैट SNF बफेलो के लिए। इसके लिए भी आपको सेम करना है, फैट परसेंटेज 52 कर देना है और स्टैंडर्ड फैट आपको 6.5 और स्टैंडर्ड SNF हो गई आपकी 9.0 और स्टैंडर्ड रेट आपका 35 का हो गया। और जैसे ही दोस्तों आप एड से एंटर करेंगे तो आपका रेट सेट सक्सेसफुली हो जाएगा। और दोस्तों इस DPU या इको मिल्क या इको बॉन्ड से जुड़ी हुई आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे मांग सकते हैं।